क्वेश्चन नंबर 33, बट उससे पहले आपको मैं ट्रिक याद दिला दूं जो हमने क्लास में पढ़ी थी। ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी ए बी रोड। ए बी रोड, ए बी रोड मीन्स व्हाट? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। इसका मतलब ए बी रोड का मतलब क्या होता है? एसिड टर्न्स, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, ठीक है। एसिड टर्न्स, बी मतलब, देखो ए मतलब एसिड, टर्न्स बी मतलब ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये हम याद कर लेते हैं। अब इसी का उल्टा कहाँ हो जाएगा? बेस में, ठीक है। ये बात हमने याद कर ली, और अगर कहीं पे हमको बेसिक सॉल्यूशन मिला तो बेस क्या करेगा? इसी का उल्टा करेगा, मतलब बेस टर्न्स एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है? रेड लिटमस पेपर में, रेड लिटमस पेपर में। और इसी का रिवर्स करेगा कौन? बेस। बेस क्या करेगा? बेस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर की जगह हम क्या लिखेंगे? रेड, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस, ठीक है। तो ये बातें जिन बच्चों ने क्लास करी उनको याद भी होगी, तो ये बात हमने पहले लिख दी, ठीक। अब आइए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 में? कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, और क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर, मतलब ये सब्सटेंस लिटमस पेपर के साथ क्या करेंगे, मतलब ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे या रेड को ब्लू में चेंज कर देंगे। तो ऑब्वियसली हमको ये पहचानना होगा कि इन सब्सटेंस में से, ये आपको 6 सब्सटेंस दिए, इन सब्सटेंस में से कौन सा बेसिक इन नेचर है और कौन सा एसिडिक इन नेचर है। तो पहला लेते हैं ड्राई HCl, ध्यान से चेक करिए ड्राई लिखा हुआ है, ठीक है। और हमने आपको क्लास में बताया है जब HCl गैस ड्राई होती है, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टॉपिक भी डाल दूंगा, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर वाला वीडियो है, वो आप वहाँ पे जाके डिटेल में एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट भी कराया हुआ है, ठीक है। तो ड्राई HCl गैस जो होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कभी भी H+ आयन आपको नहीं देगी, ठीक है। H+ आयन कैसे मिलेगा? अगर कभी भी ड्राई HCl गैस लिखा हुआ है तो इसको आप पढ़ोगे क्या? इसको आप पढ़ोगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पढ़ोगे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ना 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 ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना हो, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर चाहिए होता है, ठीक है। आप देखिए सिंपल सा फंडा समझिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमने वाटर लिया एक बीकर में या एक कंटेनर में, और ये हमने पाइप एक लगा दिया, और पाइप से हम हाई प्रेशर से HCl गैस भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? HCl गैस, ड्राई। ड्राई का मतलब हुआ है सूखा हुआ। सूखा हुआ का मतलब है इसमें कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल अभी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही ये HCl गैस कहाँ जाएगी? वाटर में जाएगी। तो क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आपको दिख रहा होगा पक्का। देखिए ये जो HCl गैस है आपकी, ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, जैसे ही वाटर में जाती है ये ब्रेक हो जाता है आपका HCl जो गैस है, ये आपको दो तरीके के आयन देगा, एक तो देगा H+ आयन और एक देगा Cl- आयन, ठीक है। तो अब आपको देखो H+ आयन मिल गया, हाइड्रोजन आयन मिल गया, और जब आपको हाइड्रोजन आयन मिलता है तो आपका भाई, आपको तो याद होगा ना, H+ आयन के कारण क्या होता है? सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तो ये जो बीकर का आप सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे H+ मिल रहे होंगे, ठीक है, Cl- भी मिल रहे होंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। तो इस H+ आयन के कारण सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। लेकिन जब तक HCl गैस ड्राई होता है, उसको जब तक वाटर नहीं मिलता है, ठीक है, तब तक हमको ये HCl एज अ मॉलिक्यूल नज़र आता है, ये आयन्स में ब्रेक नहीं होता है, ओके। तो जब HCl पूरा एक मॉलिक्यूल रहेगा H+ और Cl- आयन में नहीं ब्रेक होगा, तो H+ आयन आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक। अब रही बात ये HCl गैस एच प्लस और सी एल माइनस में क्यों ब्रेक हो जाता है, तो उसका कारण है, हमने क्लास में बताया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। देखिए वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखिए कुछ इस तरीके का वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे डेल पॉजिटिव, मतलब यहाँ एच पे पॉजिटिव, ये देखो एच टू ओ लिखा है मैंने, और यहाँ भी पॉजिटिव, और ओ पे क्या होता है? माइनस होता है। तो जैसे ही आप HCl का मॉलिक्यूल, HCl गैस का मॉलिक्यूल आप डालते हो किसमें? वाटर में, या वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है HCl गैस का मॉलिक्यूल, तो क्या होता है? ये देखिए ये HCl और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आपका किसको खींचता है? H+ वाले पोर्शन को। एक्चुअल में
क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने का ये मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और सीएल के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा किसकी तरफ अट्रैक्ट होकर रहते हैं, सीएल की तरफ, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है, जिसको हम डेल नेगेटिव बोलते हैं। आप क्लास करिए तब क्लियर होगा ये सब, ठीक है। यहाँ पे डेल नेगेटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है, डेल पॉजिटिव होता है। तो जब वाटर का जो ऑक्सीजन होता है उस पर जो माइनस होता है, वो माइनस कहाँ पर फोर्स लगाता है, इस तरीके से ये H+ के ऊपर वाले, मतलब H+ पे फोर्स लगाता है, H+ वाले पोर्शन पे। देखो ना, माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसी तरीके से ये जो वाटर का आपका H+ वाला पार्ट है, ये कहाँ फोर्स लगाता है, Cl- पे, ठीक है। तो जब ऐसा फोर्स लगेगा तो ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है, और जब ये यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, Cl पे, और इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाते हैं उसके पास माइनस साइन आ जाता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर प्लस साइन आ जाता है, ठीक है। तो Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है, Cl के एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसलिए हमने बोला कि Cl नेगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छूट जाते हैं इसके, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना दिल पे मत लो, आप सिंपली इतना समझो क्या कि जब HCl गैस को हम वाटर में डालते हैं तो वाटर की हेल्प से, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पर आप फोकस ना करिए प्लीज़, ठीक है। वाटर क्या करता है, इस HCl के गैस के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है, किसमें, H+ और Cl- में। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन में H+ आयन बहुत सारे मिल जाते हैं। अब बस, अब अगर आप इस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालोगे, कौन सा लिटमस पेपर, ब्लू, तो ये ब्लू को रेड कर देगा। लेकिन अगर ड्राई गैस होगी, ठीक है, ये देखो एक पाइप लगाई हमने और यहाँ से HCl गैस ड्राई, यहाँ पे यहाँ वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये जो ड्राई गैस होगी इसमें H+ है ही नहीं, तो आप यहाँ पर अगर ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है भी, यहाँ H+ आयन नहीं है। और अगर आप चाहें यहाँ पर रेड लिटमस पेपर लाएं तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि ड्राई HCl गैस पे। बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम का, इसको आप तैयार कर लीजिए, नीचे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ आप जाके देखिए मैंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो ड्राई HCl गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कभी भी किसी भी तरीके के लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। इसलिए हमने ड्राई HCl गैस के सामने यहाँ हमने सब्सटेंस लिखे हैं और यहाँ हमने एक्शन ऑन लिटमस पेपर लिखा है, ठीक है। तो लिटमस पेपर पर नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, पार्ट वन हमने कर लिया, ठीक है। चलो, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम लेते हैं पार्ट टू, इसमें सब समझने वाली बात है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे हमने तो बॉन्डिंग नहीं पढ़ी। अरे देखो बच्चों, क्या होता है एक्चुअल में कि ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, इसमें पूरी केमिस्ट्री का रोल रहता है, ठीक है। आपको केमिस्ट्री पूरे सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, नाइन्थ क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तब ये चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्लास नहीं करी है तो जाके करिए प्लीज़, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट इसको लगाने की कोशिश आप ना करें, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार तो करना ही है, नो डाउट, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी ये हेल्प करती है हमारा, ठीक है। तो देखो, अब हम लेंगे क्या, हम लेंगे पार्ट टू, मॉइशन NH3 गैस। NH3 क्या होता है बताइए, अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है NH3। तो मॉइशन का मतलब कि इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल गया है, मतलब इसको वाटर मिल गया है थोड़ा सा कहीं पे, ठीक है। ये गीली हो गई, शुद्ध भाषा में बोले तो गीला हो गया, ये गीला हो गया है, ठीक है। मॉइस्चर NH3 गैस है। अब मॉइस्चर NH3 गैस क्या करेगा, आइए देखते हैं। तो इसको समझने से पहले स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको कुछ समझना पड़ेगा, समझना ये पड़ेगा आपको कि NH3 का अगर मैं मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊँ, देखिए, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। NH3 मतलब अमोनिया में तीन हाइड्रोजन होते हैं जो नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, ये देखिए, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड में दूसरा हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड में तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन दिखाया हमने, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब देखो, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, मेटल नॉन मेटल, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर हमने बॉन्डिंग पढ़ाई हुई है, लेकिन अब जब यहाँ क्वेश्चन आ गए तो बताने तो हमको पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है। कोई आपसे पूछे अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बोलोगे भाई नाइट्रोजन से तीन हाइड्रोजन, तो वन टू थ्री, तीन हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी मौजूद होता है। लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये कहीं पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब होता है भाई दो, जोड़े में जोड़ा, जब जोड़ा होता है ना कहीं पे, पेयर होता है, तो उसको हम पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो लोगों का जोड़ा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये पेयर है, ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया लोन पेयर। अब ये लोन पेयर बैठा हुआ है, कह रहा है कि भाई हम भी बॉन्डिंग करना चाहते हैं,
ठीक। तो अमोनिया का मॉलिक्यूल जब तक बेचारा अकेला बैठा हुआ था तब तक तो ये लोन पेयर कहीं पे बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही अमोनिया के मॉलिक्यूल को पानी मिला, वाटर मिला, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी सी मुझे बच्चों बनानी पड़ेगी ये बात आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया रेड, ठीक है। और यहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसी अमोनिया को मैंने ऐसे बना दिया, आप देखिए 1, 2, 3, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल, और एक लोन पेयर यहाँ भी बना सकता हूँ मैं, कहीं पे बना दो इसको, ऐसे घुमा दो तो पहले जैसा दिखेगा जैसा मैंने बनाया था, ठीक है। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने वाटर लिया, ठीक। हमने आपको कई बार क्लास में बताया है कि जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और वाटर में दो तरीके के आयन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, एक तो H प्लस आयन प्रेजेंट होता है और OH माइनस आयन भी यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फोकस करिए इस H प्लस आयन पे, ये H प्लस आयन क्या होता है, देखो बच्चों बहुत सिंपल सा है, क्या H प्लस आयन को हम प्रोटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो H प्लस आयन को हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, समझिए जरा बात को। देखिए क्लास 9 में आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि हाइड्रोजन के K शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस सिंगल, हाइड्रोजन के K शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन भी कितना होता है, 1, ठीक है। तो अगर हम आपको बोलें कि यहाँ हाइड्रोजन एटम में, मैं ये एटम की बात कर रहा हूँ, आयन नहीं बनाया अभी, रुक जाओ, ठीक है। तो हाइड्रोजन में जो है आपका एक प्रोटॉन मौजूद होता है, 1 प्रोटॉन, और 1 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा, +1, ठीक है। और ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन हमने आपको यहाँ पर दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर कितना आएगा, 0, कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। तो यानी कि हाइड्रोजन के एटम पे, हाइड्रोजन का एटम जो होता है एक, वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए जरा क्या होता है कि अगर हम किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सब लोग बाहर निकल गया, ये देखो ये बाहर चला गया, तो हाइड्रोजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो बचा क्या, बचा क्या, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज था वो तो बाहर चला गया, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, प्रोटॉन की वजह से इस पे केवल प्लस प्लस चार्ज बचता है, जिस माइनस ने इस प्लस के साथ मिलकर इसको न्यूट्रल किया था वो माइनस तो अब निकल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो एक था वो तो निकल ही गया, तो केवल इसमें क्या बचा आपके पास, एक प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन की वजह से अब केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने वाला, नेगेटिव तो बाहर निकल गया, ठीक है, बात समझ में। तो यही जो H प्लस बन के तैयार होता है स्टूडेंट्स, इसी को हम H प्लस आयन नाम देते हैं, या इसी को हम प्रोटॉन नाम देते हैं। प्रोटॉन हम इसलिए नाम देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम में दो ही तो क्वांटिटीज थी, क्वांटिटी क्या बोलेंगे, दो ही तो कंपोनेंट थे, क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, अब बचा क्या, सिंपली प्रोटॉन। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये प्रोटॉन क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई देखो हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इसलिए नेट चार्ज हाइड्रोजन के एटम पे कितना आता है, 0, लेकिन हाइड्रोजन के एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हाइड्रोजन का जो एटम रहता है वो एटम नहीं रह जाता है, अब वो एक तरीके का आयन बन जाता है जिसको हम H प्लस आयन बोलते हैं, और यही H प्लस आयन प्रोटॉन होता है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन ही तो बचा, बस और क्या बचा बताओ, इलेक्ट्रॉन निकल गया केवल प्रोटॉन बचा इसके पास, तो इसलिए हम इसको H प्लस आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो ये बात आपको समझ में आई। तो वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, H प्लस और OH माइनस। तो ये जो H प्लस है स्टूडेंट्स, ध्यान से जरा चेक करिए, इस हाइड्रोजन आयन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक ही तो था बेचारे के पास, वो भी निकल गया, ठीक। अब सुनो, जैसे ही आपने अमोनिया को पानी में डाला, अब क्या होता है कि पानी से एच प्लस आयन मिलते हैं, बहुत सारे एच प्लस आयन होते हैं, मैं एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ले रहा हूं और एक एच प्लस आयन लेके आपको समझा रहा हूं। बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, अगर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो बहुत सारे एच प्लस और बहुत सारे ओएच माइनस आयन होंगे। तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल मैंने लिया और एक मैंने एच प्लस आयन यहां पर लिया, करेक्ट, कोई डाउट है। अब देखिए सिंपली, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं, अभी आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे, एक होगा नाइट्रोजन का और एक होगा हाइड्रोजन का, दोनों ने शेयरिंग करी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड पे, एक होगा हाइड्रोजन का एक होगा नाइट्रोजन का, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों नाइट्रोजन के,
अब H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक। अब देखो ये H+ जो है अनस्टेबल है, कह रहा है कि भैया हम भी बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो एक लोन पेयर है और दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाते हैं। तो ये जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है ये बोल रहा है कि भाई मुझे भी बॉन्ड बनाना है, इसको भी बॉन्ड बनाना है, इसको भी बॉन्ड बनाना है। तो क्या करता है नाइट्रोजन, कहता है भैया मेरे दोनों ले लो। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और क्या कर देता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना देता है, और ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जब कोई ऐसा बॉन्ड बने जिसमें बॉन्ड बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशी दे, देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, ये कैसा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है यहाँ पर और एक नाइट्रोजन का है। लेकिन जब किसी बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हों, किसी एक स्पीशी के हों, तो यहाँ तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन, ज़्यादा दिल पे मत लो ये सब, आपको दिल पे नहीं लेना है इतना, बस आपको समझना है। तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, ध्यान से चेक करिए, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, देखो कैसे, ये तीन हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3 तो पहले वाले, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने एक यहाँ बॉन्ड लगाया। मैंने बताया ना एक दो इलेक्ट्रॉन, अगर आप दो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ बॉन्ड बना दिया और बनाया इसने किसके साथ, एच प्लस के साथ। अब होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज बचा है ये नाइट्रोजन पे आता है। ये कैसे आता है ये आप क्लास 11 में पढ़ोगे, तो ज़्यादा आपको दिल पे नहीं लेना है, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से चेक करिए, इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं N, और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 NH4, और आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में ऐसे लिखा रहता है कहीं NH4+, इसको अमोनियम आयन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, अमोनियम आयन पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपने अपनी किताबों में कहीं ना कहीं पक्का पढ़ा होगा। NH3 क्या होती है, अमोनिया गैस होती है, लेकिन NH4+ क्या होता है, अमोनियम आयन होता है। तो अमोनियम आयन कैसे बनता है, जब हम अमोनिया गैस को पानी में डालते हैं तो पानी में जो H+ मौजूद होते हैं वो H+ इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाने लगते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज H+ से कहाँ आ जाता है, नाइट्रोजन पे आ जाता है। तो इसलिए हम पूरी एंटिटी पे, ये जो पूरी एंटिटी एक आयन बना है, इसको हम अमोनियम आयन NH4 और प्लस चार्ज लगा के यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक। ऐसा करने से जो आपका H+ है वो भी स्टेबल हो गया, उसको फ़ायदा हो गया, भैया उसकी बॉन्डिंग हो गई, बेचारा स्टेबल बैठा हुआ है, और ये लोन पेयर भी कंज्यूम हो गए, तो ये लोन पेयर को भी राहत है कि हाँ भैया हमने बॉन्ड बना लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है, अब सुनो मेरी बात, सुनो। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, मैंने क्या बोला, जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती तो वो बेसिक नेचर दिखाती है। कॉपी में नोट करो, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेसिक नेचर दिखाएगा, और जब कोई लेगा तो एसिडिक नेचर दिखाएगा, ठीक है। इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था बताइए, मॉइशन NH3, तो बताओ मॉइशन NH3 ने क्या किया, अमोनिया ने क्या किया, अपने लोन पेयर दिए ना, किसको दिए, H+ आयन को। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला स्पेशी क्या होता, कैसा नेचर दिखाएगा, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक इन नेचर। अब इसी तरीके को मैं आपको अभी और समझा देता हूँ, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, बेसिक इन नेचर शो करेगा ये अमोनिया गैस। अच्छा, बेसिक इन नेचर शो करेगा अगर सॉल्यूशन को, तो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा बताइए, बेसिक सॉल्यूशन होगा तो रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। तो इसलिए मॉइशन अमोनिया के सामने हमने क्या लिखा है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यही बात हमने लिखी हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप और समझिए, पीएच स्केल आपको पता है, ठीक है। देखिए पीएच स्केल में आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ठीक है। यहाँ पे जीरो होता है न्यूट्रल, ठीक है, और यहाँ कहीं मेरे ख्याल से 14 होता है, और यहाँ कहीं मेरे ख्याल से 1 होता है। तो अगर आपका पीएच जीरो के लेफ्ट में होता है तब तो वो एसिडिक होता चला जाता है, ठीक है, और अगर आपका पीएच जीरो के राइट में होता है तो वो आपका कैसा होता चला जाता है, बेसिक होता चला जाता है। मतलब अगर पीएच इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर पीएच इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब एक बात बताओ, देखो वाटर में क्या मौजूद है, बहुत सारे H+, बहुत सारे OH-, बहुत सारे OH-, बहुत सारे H+ आयन। इतना तो तुमको पता ही होगा कि H+ की वजह से एसिडिक होता है, OH- की वजह से बेसिक होता है, ठीक। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि 3H+ आयन मौजूद थे और 3OH- मौजूद थे पानी में, ठीक है, वाटर में। अब तुमने वाटर में अमोनिया डाल दिया, सही है, अमोनिया गैस डाला। अमोनिया गैस क्या करेगा, H+ आयन से बॉन्ड बना लेता है। अरे अमोनिया आयन ने H+ आयन को कंज्यूम कर लिया कि नहीं, तो सोचो बेचारा ये भी यहाँ से चला गया, मतलब किसी अमोनिया के साथ इसने बॉन्ड बना लिया होगा, अमोनियम आयन बना लिया होगा, ये भी H+ चला गया। तो इसकी वजह से, क्योंकि हमने बताया ना बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे H+ हैं, तो सपोज हमने अज्यूम किया कि दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल आया और अपना लोन पेयर किसको दिया,
ये वाले H प्लस को दिया और एक और अमोनियम आयन बना दिया। ठीक इसी तरीके से तीसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल आया और तीसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल ने आपका ये वाले H प्लस के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया और अमोनियम आयन तैयार कर लिया। आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे आपके सॉल्यूशन, अरे जो वाटर था, धीरे धीरे आपके सॉल्यूशन में से H प्लस आयन गायब हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और भैया अगर H प्लस आयन गायब होगा तो H प्लस की वजह से ही तो एसिडिक होता है, तो धीरे धीरे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन वहां बढ़ जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि OH माइनस जहां पर ज्यादा मौजूद होते हैं वो सॉल्यूशन आपने देखा होगा बेसिक सॉल्यूशन होता है। बेस क्या होता है, जहां पर OH माइनस प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई, तो जैसे समझना हो वैसे समझ लो। अब मोटी मोटी बात मैं कंक्लूड करता हूं ये कि जब कोई स्पीशी आपको ऐसी मिले जो लोन पे डोनेट कर रही हो किसी सॉल्यूशन में, किसी को भी डोनेट कर रही हो, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। यहां पे अमोनिया ने क्या किया, डोनेट किया। एक तो समझने का ये तरीका था। दूसरा तरीका समझने का ये था कि भाई वाटर में बहुत सारे H प्लस मौजूद हैं, बहुत सारे OH माइनस मौजूद हैं, तो अभी तो वाटर लगभग न्यूट्रल था। क्यों? क्योंकि जितने H प्लस आयन थे लगभग उतने ही क्या थे, OH माइनस। ठीक है, तो H प्लस आयन OH माइनस के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा था और OH माइनस H प्लस आयन के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा था, तो सॉल्यूशन मेरा न्यूट्रल था, यानी कि मेरे को pH कहाँ मिलेगा, ठीक है तो सॉल्यूशन कहाँ है अभी, सॉल्यूशन का pH कहाँ है अभी, 7 पे, यानी कि अभी सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, करेक्ट। लेकिन जैसे ही तुम इसमें अमोनिया डालते हो, मतलब अमोनिया को क्या करते हो, मॉइस्चर करते हो, मतलब अमोनिया को पानी के साथ मिलाते हो, ठीक है, तो अमोनिया क्या करता है, पानी में मौजूद H प्लस आयन को फटाफट खींचने लगता है, खींच के अमोनियम आयन बनाने लगता है। तो इस तरीके से वाटर में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो आपका सॉल्यूशन है उसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है। तो भाई अभी अगर लुप्त होने लगेंगे, गायब होने लगेंगे H प्लस स्पीशीज, तो आपके क्या बचेंगे, OH माइनस बचेंगे, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे ज़्यादा होने लगती है। तो आप सॉल्यूशन में अगर हम आपसे पूछें कि भैया सॉल्यूशन का pH मुझे मेजर करके दिखाओ, तो आप सॉल्यूशन का pH जब मेजर करोगे, ठीक है, लैब में मशीन्स भी आती हैं pH मेजर करने का, तो आपने जब pH मेजर किया तो आप देख रहे हो उसका pH तो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इसमें और अमोनिया डालोगे और pH बढ़ेगा, और अमोनिया डालोगे और pH बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना अमोनिया डालोगे उतना H प्लस आयन कंज्यूम होकर खत्म तो नहीं, मतलब ये कंज्यूम कर लेता उसको और अमोनियम आयन वहां बनता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से ये जो होगा आपका मॉइस्चर अमोनिया गैस, ये बेसिक इन नेचर होगा, और बेसिक इन नेचर जब होगा तो रेड लिटमस आपका किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में। और ध्यान रहे जो आपका pH होगा सॉल्यूशन का वो बढ़ जाएगा। तो एग्जाम में मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है कि मॉइस्चर अमोनिया किस तरीके से लिटमस पेपर पे एक्शन करता है, तो ये थ्योरी आप लिखेंगे। मैंने आपके लिए लिख रखी, समझा मैंने दिया, अब लिखना क्या है इसमें, आपको लिखना है अमोनिया इन वाटर इज बेस, हेडिंग लगानी है, फिर दिस इज व्हाट व्हाई, This is because the lone pair in the ammonia is more loosely held than in water. इस बात का क्या मतलब है कि ये जो लोन पेयर अमोनिया पे बैठे हुए हैं, जब ये वाटर के संपर्क में आता है अमोनिया, तो ये क्या हो जाते हैं, देखो held more loosely held than in water का ये मतलब है कि जब ये अकेला बैठा हुआ था तब तो ये इसके साथ बाउंड था, लेकिन जैसे ही, मतलब ये अमोनिया का मॉलिक्यूल जब अकेला बैठा हुआ था तो लोन पेयर इस यहाँ पे बाउंड था, मतलब रुका हुआ था अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ, हाँ भैया हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, लेकिन जैसे इसको वाटर का साथ मिला तो ये लूजली हेल्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है, अब ये अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ नहीं रहना चाहता है, अभी कह रहा भैया वाटर मुझे अपना प्रोटॉन दे दो, मतलब H प्लस आयन मुझे दे दो, मैं ना बॉन्ड बना लूंगा और मैं बॉन्ड बनाने में अब कंज्यूम हो जाऊंगा, तो ये यहां से हट जाता है और बॉन्ड बना लेता है। तो यही लिखा हुआ है क्या कि लोन पेयर इन अमोनिया इज मोर लूजली हेल्ड देन इन वाटर एंड अमोनिया कैन रिएक्ट विद द प्रोटॉन्स इन द सॉल्यूशन। ये वाटर में जो प्रोटॉन H प्लस आयन मौजूद थे उससे ये अमोनिया आपका रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, टू फॉर्म अमोनियम आयन, क्या बना देता है, NH4 प्लस आयन। दिस रिएक्शन रेजेस द pH ऑफ द सॉल्यूशन और इस तरीके से आपके सॉल्यूशन का pH क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और सॉल्यूशन का जब pH इंक्रीज होगा तो वो बेसिक इन नेचर होगा, तो वो आपका रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स थर्ड वाला तो बच्चों वाला गेम है, लेमन जूस, ठीक है, सबको पता है, अभी हमने देखा था कि लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड बताया था ना आपको, ठीक है, तो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, तो ऑब्वियसली ये तो एसिडिक नेचर होता है यार, तुमने पिया भी होगा लेमन जूस, खट्टा होता है, सारे नेचर ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या होगा बताओ, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में, तो हमने यहाँ क्या लिखा लेमन जूस के सामने, ब्लू टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है, इतना कर लीजिए पहले।
पार्ट फोर देखिए स्टूडेंट, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, जो कोला वगैरह नहीं पीते हो आप, ठीक है, जो कंचा वगैरह आता था, और ऑब्वियसली जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं आपकी, ये पेप्सी हो गई या कोका कोला, फिर भी कंचे की मैं बात करूँगा, उसमें आप उसको मैं कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक अच्छे तरीके से बोलूँगा, बिकॉज वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, और उसमें क्या क्या होता है वो आप देखिए, पता नहीं कंचा आप लोगों ने पिया है कि नहीं, कुछ इस तरीके की बॉटल होती, कमेंट करके बताओ कंचा पिया है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे कंचा लगा रहता है, ठीक है, ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, और आप जो कोला वगैरह पीते हो वो भी, ठीक है, होता क्या है, देखिए आपने अगर थोड़ा सा गौर किया हो ना, तो थोड़ा सा खट्टा तो होता है, थोड़ा सा खट्टा तो होता है, ठीक है, मीठा भी होता है, खट्टा मीठा टाइप का होता है अगर आपने गौर किया हो, फिर भी ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये एसिडिक इन नेचर होती हैं, क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है, और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, तो ये टर्न्स ब्लू टू रेड, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बात समझिए, होता क्या है स्टूडेंट्स, कि ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, इसमें कार्बोनिक एसिड होता है, ये कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, देखिए आपने जब कभी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल वगैरह या कंचा आपने खोला होगा, तो क्या आप देखते हो, जैसे ही आप इसको खोलते हो, ठीक है, प्रेशर के साथ कोई गैस निकलती है ना, और उसमें एफोवेसेंस होती है, मतलब बुलबुले होते हैं, बुलबुला ऐसा होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या किया जाता है कि जब इसको पैक किया जाता है, तो बहुत हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये है एक तरीके का सॉल्यूशन, और इतना तो आप श्योर हो गए इसमें पानी तो मौजूद है ही है, पानी तो रहता ही है यार, ठीक है। तो सुनो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाई प्रेशर पे, ठीक है, आपको कार्बोनिक एसिड देती है, विच इज़ अ आई थिंक यस वीक एसिड है ये, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 फॉर्म हो जाता है अंदर, ठीक। तो फिर से सुनो मोटी मोटी बात, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जब बनाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से कहीं ना कहीं आपका कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। बस अब आपको याद हो गया सिंपल, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। उसके बाद आप एक और चीज़ स्टूडेंट्स याद कर सकते हो क्या, कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, ये कोला वगैरह जो होता है ये खराब ना हो, इसमें फंगस ना लगे, जैसे एक स्पेशल टाइप का फंगस होता है मोल्ड या माउल्ड जिसको बोलते हैं, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, और तरह तरह के बैक्टीरिया ना लग जाए, नहीं तो फिर कोल्ड ड्रिंक खराब हो जाएगा ना, और खराब हो जाएगा कई दिनों तक, फिर चलेगा नहीं तो कंपनी का लॉस होगा। तो कंपनी क्या करती है, उसमें स्पेशल टाइप का एक कंपाउंड ऐड कर देती है, दैट इज़ व्हाट, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, देखो ये भी एसिड है, फिर से एसिड उन्होंने ऐड किया, ये एसिड भी वहाँ पर ऐड किया जाता है। इस एसिड फॉस्फोरिक एसिड का काम क्या है, ये एक शार्प फ्लेवर देता है आपको, शार्प फ्लेवर मतलब जिसकी वजह से हम लोग पीते हैं, हमें मज़ा आता है, बहुत तीखा सा लगता है, कुछ आपने पिया होगा कोल्ड ड्रिंक तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है ये एक शार्प फ्लेवर भी देता है, एंड इट ऑल्सो स्लो द ग्रोथ ऑफ द मोल्ड एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मोल्ड फंगस उसमें ना लगे, वो खराब ना हो, कई दिनों तक चले, इसलिए फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर डाली जाती है, उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड, और इसका फ्लेवर शार्प करने के लिए, मोल्ड और बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए फॉस्फोरिक एसिड डाला जाता है सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं आपकी, वो एसिडिक इन नेचर हो गई, इसलिए हमने क्या बोला कि ब्लू टू क्या हो गई, रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद कर्ड तो बहुत ईजी है, आपने टेस्ट किया, दही तो खाया, खट्टा होता है तो ऑब्वियसली एसिडिक इन नेचर, लैक्टिक एसिड होता है इसमें भी, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था शायद, ठीक है। तो ये ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देगा, रेड में, ये भी हो गया खत्म कहानी। अब सोप सॉल्यूशन, देखो बच्चों एक बात मैं बताऊं, जब हम लोग बेस पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि बेस का जो टच होगा वो सोपी होता था, हमें बताया गया था ना कि स्लिपरी होगा थोड़ा सा, आप जैसे शैम्पू को हाथ में ले लो या साबुन को हाथ में ले लो तो ऐसा ऐसा उसको अगर आप करोगे तो बहुत स्लिपरी होता है। तो यहीं से हम पहचान गए थे कि हाँ भाई, जो सोप सॉल्यूशन होगा, मतलब सोप लिया हमने, पानी में घोल लिया, तो ये जो सॉल्यूशन बना वो बेसिक इन नेचर होगा। एक तो समझने का ये तरीका है, यानी कि सोप सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया, बेसिक इन नेचर, मतलब ये रेड को किसमें चेंज कर देगा, ब्लू में, रेड लिटमस को ब्लू में कर दिया, ठीक है, कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्या ये असली आंसर है, नहीं, ये असली आंसर नहीं है। जब हम आपको सोप पढ़ाएंगे, मतलब आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक है आपका सोप एंड डिटर्जेंट, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में सोप को पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ आप क्या देखोगे, सोप हमने कैसे बनाया था, हमने कोई फैट लिया था या ऑयल लिया था, फैट या ऑयल का मतलब है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, मेरे फोकस करिएगा प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पर हम क्या लेते थे, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये फैट या ऑयल होते हैं एक तरीके के, ठीक है, कार्बोक्सिलिक। अब ये सब क्या होता है आप वहाँ पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हमने पढ़ाया कार्बन कंपाउंड, ज़्यादा परेशान मत हो। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों वीक एसिड होते हैं, कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, याद रखिए, ठीक है। और इसमें हम डालते थे स्ट्रॉन्ग
बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये क्या होता है आपका SB, SB मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप देखो यहाँ पे हमने एसिड लिया, एक बेस लिया, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है कि नहीं बनता है, और ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इसी NCERT एग्जाम्पल में, सॉल्ट बनेगा, लेकिन इस सॉल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द यूज्ड एसिड एंड यूज्ड बेस। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट भी आपका वैसा होगा, तो बताओ स्ट्रॉन्ग बेस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, एसिड हो गया वीक, बेस हो गया स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, कौन डोमिनेट करेगा, कौन प्रभावी होगा, जो कौन अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, तो बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है इसलिए जो हमारा सॉल्ट बनेगा उसका नेचर भी कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। इसका मतलब जो सॉप बनाने की, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो सोप बनाने की स्टूडेंट्स प्रक्रिया होती है वो सोप एक तरीके का सॉल्ट होता है, और ये सॉल्ट कैसे बनता है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन के लिए आते हैं, वो आप सोप जब पढ़िएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लिया जाता है, इसलिए बनने वाला जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट मतलब यहाँ पे जो सोप बनेगा, ठीक है, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो डोमिनेट करेगा, ठीक। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि बिकॉज सोप्स आर द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड्स, तो डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा बनने वाले सॉल्ट में, बनने वाला सॉल्ट सोप है, सोप एक तरीके का सॉल्ट है, ठीक है। तो यही लिखा है हमने, सोप्स आर दे शुड बी स्लाइटली बेसिक, इसलिए सोप जो होंगे वो स्लाइटली थोड़े से बेसिक इन नेचर होंगे, तो सोप सॉल्यूशन भी आपका कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, और बेसिक इन नेचर होगा तो सोप क्या करेगा, सोप रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में, ठीक है स्टूडेंट।